नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट वर्ल्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए अगर आपकी एज अभी 25 साल 30 या 35 साल तक है और आप अपने रिटायरमेंट पर 60 साल की उम्र में यहाँ से एक मंथली पेंशन चाहते हैं अभी से अपनी एक इन्वेस्टमेंट को प्लान करके, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक अभी से एक छोटी अमाउंट से अपने फ्यूचर के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग यहाँ से कर सकते हैं और एक बहुत ही शानदार पेंशन भी यहाँ से ले सकते हैं और मैच्योरिटी भी एक अच्छी खासी यहाँ से पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो का पर्पस बनाने का यही है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट प्लान को काफी आसान और सरल भाषा में समझाया जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलेंगे एक म्यूचुअल फंड जिसमें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कुछ समय के लिए अपने पैसे को यहाँ पर लॉक करेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड जो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे वो हमारा रहेगा SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के थोड़े एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इसके AUM साइज की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 68410 CR का। काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज़ देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड साइज़ हमें ये बताता है कि लोगों द्वारा अभी तक उस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर यहाँ पर बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.75% का। देखिए दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक ऐसा खर्चा होता है जो फंड मैनेजर द्वारा उस फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। ये जितना कम रहेगा उतना फ़ायदा आपको उस म्यूचुअल फंड में होगा। अगर यहाँ पर बात करें इसके एग्जिट लोड की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1% का। देखिए दोस्तों, अगर आप एक साल से पहले अपने पैसे को यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड का चार्ज देना होगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड में कि कितना आप यहाँ पर मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर मात्र ₹500 से अपनी SIP की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लमसम अमाउंट की, तो लमसम अमाउंट आप ₹1000 से इस म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन की, तो जो यहाँ पर आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 74.8% का। अगर यहाँ पर बात करें इक्विटी के भी मार्केट कैप की, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें लार्ज कैप में देखने को मिलता है जो कि रहेगा 55.53% का। बात करें अगर मिड कैप की, तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 18.29% का। स्मॉल कैप में हमें कोई खास ऐसा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें मात्र 0.95% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिन कंपनीज की रैंकिंग 1 से लेकर 100 तक होती है, वो सभी जो हैं लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, और जिन कंपनीज की रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक होती है, वो सभी जो हैं मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, और जिन कंपनीज की रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक होती हैं, वो सभी जो हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें डेप की, तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है 20.1% का, यानी कि 20% पैसा आपका यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है और आप एक यहाँ पर सेफ साइड अपना इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के पास्ट के रिटर्न्स की। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें रिटर्न्स की, तो लास्ट की अगर हम 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें, तो वो इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बनाकर दिए हैं 15.61% के। देखिए काफ़ी बढ़िया इस म्यूचुअल फंड ने अपने लास्ट के 5 ईयर रिटर्न्स यहाँ पर बनाकर दिए हैं। दोस्तों ये था इस म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि कितना आपको यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अभी से, ताकि आप भविष्य में एक बेहतर यहाँ पर अपनी पेंशन भी पा सकें और एक अच्छी खासी मैच्योरिटी यहाँ से ले सकें। देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो हम यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ₹2 लाख की। देखिए ₹2 लाख को यहाँ पर आपको लॉक करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अगर हम रिटर्न्स यहाँ पर
देखिए रिटर्न्स में थोड़े यहाँ पर कम लेकर चलूंगा, 14% के रिटर्न में यहाँ पर लेकर चलूंगा। ड्यूरेशन में यहाँ पर जो लेकर चलूंगा वो लेकर चलूंगा 25 ईयर्स की। देखिए अगर अभी आपकी एज जो है 25 साल 30 साल या 35 साल तक है तो हम यहाँ पर जो ड्यूरेशन लेकर चले हैं वो 25 ईयर्स की लेकर चले हैं, लगभग रिटायरमेंट के आसपास की। तो देखिए जो यहाँ पर आपकी अमाउंट बनेगी फाइनली, तो वो यहाँ पर आपकी बनेगी 52.92 लाख की। 25 सालों के अंदर आपको काफ़ी शानदार अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 25 साल के लिए लॉक करते हैं तो जो यहाँ पर आपकी अमाउंट बनी है, अब इस अमाउंट को आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे SWP प्लान में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें कि आप अपने इस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करके मंथली यहाँ से एक अपनी जो है इनकम भी जनरेट करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छी खासी मैच्योरिटी यहाँ से ले पाएंगे। देखिए दोस्तों अब हम जो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे 50 लाख रुपए की। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ध्यान देने वाली है कि जो आप यहाँ पर मंथली अपना पैसा रिडीम करेंगे, देखिए कोशिश करें कि आप यहाँ पर 10% से ज़्यादा अपना पैसा मत निकालें। देखिए हो सकता है कि रिटर्न्स आपको भी 14% के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको 14 से थोड़े कम रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। और अगर आप यहाँ पर मंथली अपना पैसा जो है 12-13-14% तक का रिडीम करेंगे तो जो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है 50 लाख रुपये, यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। इसीलिए कोशिश करें कि आप 10% से ज़्यादा यहाँ पर अपना पैसा रिडीम ना करें। देखिए जो हम यहाँ पर मंथली अपनी एक इनकम लेकर चलेंगे वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 40,000 रुपये प्रति महीना की। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स हम यहाँ पर 14% के लेकर चलेंगे। बात करेंगे ड्यूरेशन की तो ड्यूरेशन हम यहाँ पर 15 ईयर्स की लेकर चलेंगे। देखिए 15 सालों तक आप यहाँ पर 40,000 रुपये महीना की एक यहाँ पर मंथली अपनी इनकम भी जनरेट करेंगे और साथ ही साथ 15 सालों के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी अमाउंट भी देखने को मिलेगी जो कि रहेगी 1,33,00,000 रुपये की। देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर 15 सालों तक अपनी एक मंथली इनकम भी जनरेट करी और साथ ही साथ 15 सालों बाद आपको एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पर देखने को भी मिलेगी जो कि रहेगी 1,33,00,000 रुपए की। देखिए दोस्तों जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी थी वो शुरू हुई थी मात्र 2 लाख रुपए से और वही 2 लाख रुपए आपको आगे चलकर 40,000 रुपए प्रति महीना की यहाँ पर एक मंथली इनकम भी देंगे और साथ ही साथ 15 सालों के बाद 1,33,00,000 रुपए की यहाँ पर आपको अमाउंट भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। देखिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी तरह कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आपके लिए बनाई गई है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एडवाइस ये वीडियो नहीं देता है। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।